चलिए तो आप सबको फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज मेरे पास जो है ये जो है द प्रिस्ट आपको दिख पा रहा है कि नहीं, ये जो है मेरे पास लौट कर आया। तो इसमें कुछ दिक्कत आ गया था जो है आपका एक बाइक का है, तो उन्होंने बोला कि एक्यूरेसी नहीं आ रहा है अब थोड़ा देख देने के लिए, ठीक है। तो मैं बोला लेके आ जाइए। तो यहाँ देखा तो इसका जो है आपका साइलेंसर में जो है इशू था, साइलेंसर के कारण जो है एक्यूरेसी नहीं बन रहा है। तो अगर आपके पास भी अगर कोई एयर एप्पल है एक्यूरेसी नहीं बन रहा है, तो आपको उसको जानने के लिए सबसे पहले करना क्या है वो मैं बता ही देता हूँ साथों साथ। तो अगर आपका एक्यूरेसी हर एक शॉट बदल रहा है या कभी ग्रुप देता है कभी चोर देता है, तो सबसे पहले आपको ये जो साइलेंसर रहता है इसको निकालना है। निकल के आप जो है 5 शॉट्स या 10 शॉट्स का ग्रुप बनाना है एक ही पॉइंट ऑफ एमिंग लेके, ठीक है। एक शॉट मारेगा फिर तरेत घुमाएगा, फिर एक शॉट मारेगा फिर तरेत घुमाएगा, ऐसे काफ़ी सारे भाई लोग ने करता है। एक्चुअल में आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वहाँ एक छोटा सा मार्किंग करिए या कुछ एक एमिंग पॉइंट लीजिए, या फिर सबसे बेस्ट है आप प्लेन पेपर लिया हुआ है वहाँ एक शॉट मारिए, उसी एक शॉट पे आप 5 शॉट्स 10 शॉट्स का ग्रुप मारिए सेम जगह पे, ठीक है। सेम जगह ग्रुप, उसके बाद पॉइंट ऑफ इम्पेक्ट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट जाओ राइट जाओ ऊपर जाओ नीचे जाओ कोई दिक्कत नहीं उनका, ठीक है। बस आपका कहीं भी जाके एक ग्रुप बनाना है इतने इतने का जो है, या कॉइन के अंदर ग्रुप बनाना है। तो आप समझ जाएगा कि इसका पैलेट गन का एक्यूरेसी सही है। तो उसके बाद फिर आपको करना क्या है, आप फिर साइलेंसर डाल के देखना है, फिर से एक एमिंग पॉइंट बनाते हो उसमें 5 या 10 शॉट्स का ग्रुप बनाना है। उसमें अगर आपका हर एक शॉट या कुछ 5 में से 2 शॉट सेम जगह गया बाकी 3 छोड़ दिया इधर उधर फैल रहा है, यानी कि आप समझ जाना है सप्रेसर में कोई दिक्कत है। तो सप्रेसर में होता क्या है, भले ही आपका साउंड काफ़ी कम हो या कुछ भी हो, भले ही आप सप्रेसर नया लगाया हो ऐसा दिक्कतें आता है, हल्का सा भी अगर साइलेंसर में अंदर में कहीं भी छू गया ना तो आपको एक्यूरेसी गड़बड़ाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत सारे का पास आया, बहुत सारा मेरे साथ लेके आया, तो बाद में देखा तो वही साइलेंसर का दिक्कत आता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले सबसे इजी तरीका है, आप साइलेंसर को खोलिए 5 या 10 ग्रुप का बनाइए, उसके बाद फिर साइलेंसर डाल के फिर 5 या 10 ग्रुप का बनाइए, ठीक है। तो इनका साइलेंसर ये था, देखिए ये पहले भी आया था, मैं कोशिश करा ये नया रिप्लेस किया था, इसमें ही अंदर में प्रॉब्लम है, भले ही बाहर बड़ा होल दिख रहा है अंदर में कहीं ना कहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, तो उसके बाद मैंने ये रिप्लेस करा है। तो इसी पे मैं चला के देखता है कि एक्यूरेसी में बेहतर हुआ है कि नहीं, वही देखना है भाई। ये जस्ट एक टेस्टिंग का वीडियो है, और कि एक्यूरेसी जो बदल रहा था वो सही हुआ कि नहीं वही देखना है। ज़्यादा रेंज नहीं है, 30 मीटर पे ही लिया है, तो 30 मीटर पे ही आपको पता चल जाता है एक्यूरेसी कैसे आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं, कुछ शॉट्स लगा के देखते हैं। राइट की तरफ हल्का हल्का जाते हुए, और ग्रुप सही है, देखिए राइट की तरफ है, तो वहाँ कुछ आलू है, तो कौन सा मिल में जा रहा है, 1 सेंटर से थोड़ा सा राइट, थोड़ा सेंटर से थोड़ा लेफ्ट ले लेता हूँ,
सही है भाई। अच्छा सही है भाई। हाँ अभी स्कोर ऐसे तो ठीक हो गया है, बिल्कुल भी ठीक हो गया। जीरो ही हल्का राइट जा रहा है, कोई इशू नहीं है, वो कोई मसला वाला बात नहीं है। काफ़ी आराम से स्कोर के द्वारा मिलाया जा सकता है वो प्रॉब्लम को। देखिए तो इता का ऊपर एक है, चलिए तो ये स्पिनर को एक शॉट लगाते हैं भाई। ये कुत्ता लोग बहुत भौंक रहा है यार, कहाँ लगा। सही है, वो जो इता है उनको कुछ शॉट लगाते हैं। सही के ग्रुप तो सही आ रहा है, आपको दिख पा रहा है कि नहीं। ओ ये गोली खत्म, सिंगल शॉट चलाएगा भाई। सिंगल शॉट लगाना है प्रिस में काफी आसान है। एक सेंटर टू सेंटर चला जा रहा है, देखिए एकदम सेंटर। देखिए ये जो ईटा है ना वो एक नंबर वाला ईटा है भाई, जो ईटे में भी एक नंबर दो नंबर आता है ना, तो उनमें से ही एक नंबर वाला ईटा है। चलिए हो जाएगा आज के लिए। बिस्ट भाई यहाँ बैठ जा अभी। तो दोस्तों मैंने 33 मीटर पे, 33 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है, करीब 32 जैसा होगा, ये जो पोस्ट है वहाँ 33 मीटर होता है। तो मैंने जस्ट अपना शुरुआती जो पीसीपी का जो है रेंज है उस पर मैंने एक्यूरेसी इसका जो है देखने की कोशिश करा। जब ये साइलेंसर लगाया था तब 33 मीटर पे भी हर एक शॉट इधर उधर लेफ्ट राइट बहुत ही वेरिएशन आ रहा था। तो अब मैं जो सप्रेसर को डाला तो अभी एक्यूरेसी सही है। तो दोस्तों वही चेक करना था मुझे, एक्यूरेसी में बेहतर हुआ है कि नहीं, तो अभी सही चल रहा है। तो दोस्तों पहले मैंने जैसे बोला, अगर आपका गन नया है या जो भी हो, अगर आपका सप्रेसर डाल के रखा है तो उसमें एक्यूरेसी दिक्कत आ रहा है, तो सबसे पहले आपको विदाउट सप्रेसर 5-10 का ग्रुप बनाना है एक एमिंग पॉइंट लेके। तो जैसे मैंने बोला, एक शॉट मार के फिर से तरत घुमाना है, एक शॉट मार के फिर तरत घुमाया, एक शॉट मार के फिर तरत घुमाया, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर 5 और 10 शॉट्स का ग्रुप बना लेना है पहले, ठीक है, विदाउट सप्रेसर। उसके बाद आप सप्रेसर डाल के वही एक अलग सा एक एमिंग पॉइंट लेके फिर 5 या 10 शेड्स का जो है ग्रुप बनाना है। तो उसमें आपको अंतर पता चल जाएगा कि साइलेंसर में दिक्कत आ रहा है ना क्या में दिक्कत आ रहा है। तो साइलेंसर डाल के अगर आपका ऐसा हो रहा है और आपका बिना साइलेंसर से ही ग्रुप आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका जो है साइलेंसर का ही इशू होएगा, ठीक है। तो आपको साइलेंसर को बदल लेना है या कुछ जुगाड़ करने को कोशिश करनी चाहिए। तो वही है दोस्तों आज का वीडियो में, इसका जस्ट साइलेंसर चेंज करने के बाद एक्यूरेसी देखना था। सही है, तो ये तो बेकार हो गया, काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं किसी और जो है नए वीडियो के साथ।